असलम स्टूडेंट्स द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे दैट इज़ कॉन एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम डी टू एंड एक्सरसाइज इज बी एक्सरसाइज इज ट्वेल्व बी एंड क्वेश्चन नंबर नाइन सो सब सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं कि क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं आ कोनिकल फनल ऑफ अ डायमीटर ऑफ दिस ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू सेंटीमीटर एक आपके पास कॉनिकल फनल है और उसका जो डायमीटर है वो कितना है ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू सेंटीमीटर है और उसकी जो डेप्थ है वो कितनी है फोर्टी टू सेंटीमीटर कंटेन वाटर फिल्ड टू द ब्रिम अब क्या करें क्या आपको बता रहे हैं कॉनिकल फनल है तो ऐसा करते हैं साथ साथ इसको ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं कि अगर ये कॉनिकल फनल है तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये कैसा दिखेगा तो कोनिकल फनल कैसा होगा ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर नाइन है एक्सरसाइज नंबर है ट्वेल्व बी और यह है आपके पास डी टू डी टू का टॉपिक है और कौन है आपके पास कोनेकल फनल है तो कोनिकल फनल कैसा होता है आपके पास कौन की शेप का होता है ये कुछ ऐसा होगा देखने में और क्या बता रहे हैं इसकी चीज़ें कह रहे हैं कि इसका जो डायमीटर है मतलब ये जो आपके पास पूरी लेंथ है ये वाली डी है इसका आपके पास ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू और यूनिट है इसका सेंटीमीटर फिर कह रहे हैं द डेप्थ ऑफ दिस फनल डेप्थ मतलब इसकी हाइट की बात हो रही है डेप्थ मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली इस नाइन्टी डिग्री की बात हो रही है और ये डेप्थ मतलब ये जो डेप्थ है इस डेप्थ को हम क्या कहेंगे एच और ये कितना आपके पास 42 सेंटीमीटर ये ऐसे हो गया जहाँ जहाँ क्वेश्चन हम पढ़ते जा रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन को हम गैदर करते जा रहे हैं फिर उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि बाद वो कह रहे हैं आपको तो आप सिंपली क्या करेंगे आप कौन का वॉल्यूम निकालेंगे और फिर उसका कंपैरिजन करेंगे हम सिलेंडर के वॉल्यूम से जो कि सिमिलर होगा और उस तरह हम निकालेंगे उसकी हाइट तो हम पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कौन वॉल्यूम ऑफ कौन के लिए आपके पास फॉर्मूला है पाई स्क्वायर एज की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर टू यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो डी है हमारे पास दैट इज अ डायमीटर तो इसका जो आर होगा वो क्या होगा आपके पास डी ओवर टू हो जाएगा तो सिंपली आपने डिवीजन करवानी है ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू को आप डिवाइड करवा दीजिए टू से या आ गया आपके पास अलेवन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर तो आपने अलेवन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर को यहाँ सब्सिट्यूट कर देना है और डेप्थ यानी हाइट दैट इज फोर्टी टू सेंटीमीटर अब सिंपल है आपके पास स्क्वायर लगा दें यहाँ पे यह आपके पास अब आपने जल्दी से इसकी लगा देनी है कैलकुलेशन कर देनी है ये है आपके पास पाई इन टू और मल्टीप्लाई बाय 42 टू और आपने करना है इसको डिवाइड किसे थ्री से थीजर. ये आ गया आपके पास फाइव नाइन वन एट वॉल्यूम ऑफ द कोन आपके पास क्या आ गया फाइव नाइन वन एट पॉइंट टू फाइव सेवन सेंटीमीटर क्यूब इसको राउंड ऑफ कर लें यह हो जाएगा आपके पास फाइव नाइन वन एट पॉइंट टू और इसको सिक्स कर लीजिए और ये सेंटीमीटर क्यूब अब जो वॉल्यूम आपके पास इस कोनिकल फनल का था जो वाटर आपने डाला है ऑब्वियसली वही वॉल्यूम आपके पास सिलेंडर का भी होगा क्योंकि ये वाटर आपने कहाँ से लिया है ये आपने फनल में से ही तो लिया है तो सिमिलर होगा सो so, हम क्या कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द फनल कैन बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर तो एस कंपेरिजन हम क्या कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या होता है वी इज टू बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट और बेस एरिया आपके पास होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर वी आपके पास था फिफ्टी नाइन सेंटीमीटर क्यूब पाई की वैल्यू आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं और 3.142 या फिर ट्वेंटी टू ओवर सेवन भी ले सकते हैं यहाँ आप देख लें डी कितना था 16.2 पॉइंट डी की हेल्प से आप आर निकाल सकते हैं डिवाइडेड बाय टू करेंगे सिंपली तो 16.2 डिवाइडेड बाय टू हो जाएगा आपके पास एट सेंटीमीटर एट पॉइंट वन सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे और आप उसको करेंगे मल्टीप्लाई किससे हाइट से जो कि आपके पास फ़िलहाल अननोन है तो सिंपल कैलकुलेशंस कर लेते हैं पहले हमारे पास है एट पॉइंट वन का स्क्वायर और मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे पाए से तो ये हो जाएगा आपके पास टू ज़ीरो सिक्स ये हो जाएगा फ़ाइव नाइन वन एट पॉइंट टू सिक्स सेंटीमीटर क्यूब और ये हो जाएगा टू जीरो सिक्स पॉइंट वन वन टू जीरो सिक्स पॉइंट वन वन सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच ये यहाँ पे आके क्या देगा ये इसका डिवाइज़र बन जाएगा तो इसकी डिवीजन करवा दें फाइव वन एट पॉइंट टू सिक्स सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय टू ज़ीरो सिक्स पॉइंट वन वन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्व टू एच सिंपल डिवीजन है फाइव नाइन वन एट पॉइंट टू सिक्स डिवाइडेड बाय टू ज़ीरो सिक्स पॉइंट वन वन और ये हो जाएगा आपके पास एच इज़ इक्व टू ट्वेंटी एट पॉइंट सेवन वन फोर स्क्वायर से क्यूब को कैंसिल कर देंगे यूनिट आ जाएगा आपके पास ट्वेंटी एट पॉइंट सेवन वन फोर अगर आप इसको भी राउंड अप करना चाहें तो ये आपके पास क्लियरली राउंड ऑफ हो सकता है कि इसमें ट्वेंटी एट पॉइंट सेवन को बना सकते हैं आप अगर होल नंबर में लेके जाएं तो ये ट्वेंटी नाइन सेंटीमीटर बन जाएगा तो बोथ आर योर आंसर अकॉर्डिंग टू द राउंडिंग ऑफ इसको कह सकते हैं आंसर और वरना ये आपका एक्चुअल आंसर आ रहा है थोड़ी बहुत राउंडिंग ऑफ़ जो है वो पाई की वैल्यू के साथ भी इसमें हुई हुई है तो ये था इसका छोटा सा कैलकुलेशन अच्छा इसका फॉर्मेट क्या था इसकी फॉर्मेट पर बात कर लेते हैं अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसके अंदर किसी एक सॉलिड फिगर के अंदर जो लिक्विड है उसको आपने पोर करना है किसके अंदर एनअर सॉलिड फिगर के अंदर तो उसका आपके पास क्या फिनमिना होगा वॉल्यूम होगा उसका इक्वल ठीक है जो वॉल्यूम ऑबियसली जो आपके पास कोनिकल फ्लास्क में जो वाटर था वही वाटर ही तो आपने डाला है सिलेंडर के अंदर तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द कोनिकल फ्लास्क और द कोनिकल फनल कैन बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वॉटर इन साइड ऑफ द सिलेंडर होगा तो यहाँ पे आप कंपेरिजन क्या करेंगे कि V1 is equal to V2. तो हमने सिर्फ यही कंपेरिजन किया है जो वॉल्यूम हमने कौन का निकाला था उस वॉल्यूम को हमने कंपैरिजन में डाला है सिलेंडर के फॉर्मुले में एंड देन आफ्टर हमने क्या किया है हाइट हमारे पास एक अनौन हो गई थी हाइट को हमने फाइंड कर लिया तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास बैक साइड चैप्टर फोर्टीन में भी आ रहे हैं जो डी वन के हैं कि एक सॉलिड फिगर से आप किसी लिक्विड को पोर करें किसी दूसरे सॉलिड फिगर के अंदर तो ये है इसका सोल्यूशन देखें ये शायद विजिबल है पूरा सिर्फ कंपेरिजन है वी वन और वी टू का वी वन कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन और वी टू हम कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर तो ये आपके पास क्वेश्चन है इसको अच्छे से देख लीजिएगा प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा वरना अगर आपको पसंद आई है वीडियो कुछ समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा